नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको कुर्ते के कटिंग का मेजरमेंट बताती हूँ और इसके नाप का मेजरमेंट बताती हूँ कि हमको किस नाप का कुर्ता काटना है। मैं आज आपको ये बताती हूँ कि हम किस लंबाई का कुर्ता काट रहे हैं। इसकी लंबाई है 40, सीना है 38, कमर है 34, गला 6 और पीछे का गला 6 है और आगे का गला 8 है। ठीक है, अब हम आपको इसकी कटिंग का मेजरमेंट बताते हैं। सबसे पहले हमको क्या करना है कि सबसे पहले हमको लंबाई लेनी है। ठीक है, तो हम ये लंबाई लेते हैं, लेकिन इसमें लेस लगी हुई है तो इस लेस को हमको हटा लेना है। देखना है कि ये लेस हमको हटा करके ही काम में लेना है। तो हम इस तरीके से इस लेस को हटा लेते हैं, क्योंकि अगर ये लेस लेते हैं तो फिर उस लंबाई निकालने में हमको दिक्कत आती है। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले कपड़े को बिल्कुल बराबर रखना है और ये देखना है कि हमारा गला बिल्कुल सेम जगह आ रहा है। ये कुर्ता जो है ये वर्क का कुर्ता है, तो ये हम देखेंगे कि हम इसको किस तरीके से कटिंग करते हैं। आइए, तो अब आप गौर से देखिएगा कि मैं किस तरीके से कटिंग करती हूँ। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको मेरा वीडियो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अब हमको क्या करना है कि ये हमारी लंबाई है 40, तब हमको सबसे पहले यहाँ से लंबाई लेनी है 40। अब हमको लंबाई 40, हमको प्रॉपर लंबाई 40 चाहिए और हमको 1 इंच एक्स्ट्रा चाहिए, लेकिन अब हमारे पास कपड़ा नहीं है इसलिए हम इसको 40 लंबाई में ही सिलेंगे। अब उसके बाद हमको क्या करना है कि आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा कि जैसे अगर गला छोटा होता है, बैक गले के हिसाब से हमेशा गला कटता है, तो अगर पीछे का गला जैसे 4 इंच है, 5 इंच है, 6 इंच है, तो अगर जैसे जैसे गला डीप उतरता जाएगा उसी हिसाब से कंधे छोटे होते जाएंगे, और अगर गला छोटा होता जाएगा तो कंधे की साइज बड़ी होती जाएगी। तो आज हम आपको क्या बताएंगे कि हमको पीछे का गला 6 चाहिए। तो उसके लिए हमको क्या करना है कि यहाँ का ये जो तीरा है हमको 6 इंच का लेना है। आप इस चीज़ को गौर से देखिए, ये हमने 6 इंच का तीरा लिया है। ठीक है, यहाँ से भी हमने ये 6 इंच का तीरा लिया है। अब जो ये साइड की ये है, बाजू के लिए लंबाई लेंगे, ये हम ये 6 लिया है तो ये हम इसको 6.5 लेंगे और इसको हम सीधे 6.5 लेकर के इसको हम इस तरीके से कर लेंगे। अब हमको ये देखना है, यहाँ से हमको 2.5 इंच नीचे लेना है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए कि यहाँ से हमको 2.5 इंच नीचे, यहाँ से 2.5 इंच नीचे, यहाँ से 2.5 इंच पर हमको एक डॉट लगाना है। अब हमको क्या करना है कि हल्का हल्का, कि भाई चौक से ज़्यादा गंदा ना हो। उसके बाद हमको क्या करना है कि हमको हमेशा ध्यान रखना है कि हमको यहाँ से जो हमारे कमर की नाप है वो हमको 15 पर लेनी है। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने 15 लिया है। अब हमारे कमर की नाप कितनी है, हमारे कमर की नाप है 34। तो 34 का 1/4 कितना होता है, 34 का 1/4 होता है 8.5। तो यहाँ हम कितना लेंगे, 8.5। तो ये हम यहाँ डॉट 8.5 पर लगा देंगे। और यहाँ ये हमारा सीने का नाप कितना है, 38। तो 38 का 4 कितना होता है, 1/4 कितना होता है, 9.5। तो ये हम कितने पर लगाएंगे डॉट, ये हम 9.5 पर। अब यहाँ से हमको क्या करना है, अब हमको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो हमारे कटिंग का हिस्सा होता है, कि जहाँ से हमारा सूट कट करके दो हिस्सों में आएगा, उस लंबाई के लिए, उस डॉट के लिए हमको क्या करना है कि हमको यहाँ से 21 पर निशान लगाना है। क्योंकि बहुत बार इन लेडीज़ कंफ्यूज हो जाती हैं कि कटिंग कितने पर रखनी है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि ये हमको 21 पर डॉट लगाना है। अब हमको ये ध्यान, अब आप ये देखिए कि हमने सीना कितना लिया था, हमने सीना 9.5 लिया था, तो ये भी हम कितना लेंगे, 9.5 लेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि अब हम ये किस तरीके से निशान लगाते हैं। अब आप ये देखिए कि ये मैंने यहाँ जो 2.5 इंच का लिया है, आप बहुत बार देखेंगे कि हमारा आर्महोल होता है उसमें झोल आ जाता है इस जगह इकट्ठा, सुकुर्तों के दोनों तरफ कांख के आसपास झोल इकट्ठा होता है, तो इस ये झोल इस विधि से झोल नहीं आएगा। तो हमको क्या करना है कि इधर से 0.5 इंच का हल्का 0.5 इंच लेते हुए इस तरीके से ऊपर से भी हमको 0.5 इंच का करके इस तरीके से हमको ये जब हम कटिंग करेंगे तो इस तरीके से दबाव लगाते हुए
ये करेंगे। अब हम देखते हैं कि हम इस तरीके से ये आप गौर से देखिए कि मैं किस तरीके से निशान लगाते हुए जा रही हूँ। और अब हमको ये देखना है कि हमको नीचे चौड़ाई कितनी रखनी है। हमेशा हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि नीचे की चौड़ाई कितनी होगी, तो इसके लिए सबसे बेटर और सबसे यूज़फुल आइडिया होता है, जैसे हमारे सीने का नाप कितना है 38, 38 में आप 6 जोड़ दीजिए, तो 38 में 6 जोड़ेंगे तो 44 हो जाएगा, 44 हो जाएगा। 44 का आधा कितना होता है 22, और 22 का आधा कितना होता है 11। हमको एक चौथाई हिस्सा ले लेना है, पहले ये जो सीने का नाप है उसमें प्लस 6 करना है और उसके बाद उसका एक चौथाई हमको ले लेना है। देखिए अब हम यहाँ से कितना ले लेते हैं, अब हम यहाँ से 11 ले, तो अब हम इसको इस तरीके से ये हमारा बिल्कुल एग्जैक्ट नाप है। और यहाँ से हमको क्या करना है कि 1.5 इंच पर गोलाई देनी है, 1.5 इंच पर गोलाई देनी है। और अब हमको यहाँ से पहले ये जैसे हमारा 6.5 है, तो 6.5 का आधा कितना होगा 3/4, तो यहाँ तक हमको स्ट्रेट इसको लाते हुए यहाँ से। अब जैसे हम लोग तो बनाते रहते हैं तो हमारा हाथ बिल्कुल बैठा हुआ है, लेकिन आप लोग अगर न्यू हैं तो आप लोग बिल्कुल इस तरीके से 6.5 का आधा कर लें, फिर वहाँ से 1.5 इंच पर ये गोलाई दे दें। अब हमको क्या करना है कि ये तो हमारा प्रॉपर एग्जैक्ट नाप हो गया, लेकिन अगर हम इस नाप से काट देंगे तो फिर हमारे पास मार्जिन नहीं रहेगा, हम सिलाई भाई कैसे वो करेंगे, तो इसलिए हमको 1.5 इंच का एक्स्ट्रा लेकर के चलना है। ये मैं इस तरीके से और यहाँ आकर के हमको इस नाप को 1 इंच कर देना है। यहाँ आकर के हमको अगर हम 1.5 इंच कर देते हैं तो इतनी चौड़ी पट्टी हम मोड़ नहीं पाएंगे, इसलिए यहाँ आकर के हमको इसको 1 इंच कर देना है। आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप प्लीज़ मुझे शेयर और सब्सक्राइब, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अब देखिए मैं आपको कटिंग करने की विधि बताती हूँ कि आपको इस तरीके से, ये हमारा आगे का फ्रंट पार्ट हो गया है, अब मैं कटिंग करती हूँ। देखिए मैं किस तरीके से, पहले इस तरीके से आप ये इस चीज़ का ध्यान रखना है कि वर्क वाले सूट में पहले आपको गला काट करके नहीं हटाना है, नहीं तो आपको बहुत दिक्कत आ जाएगी। देखिए मैं किस तरीके से सूट कटिंग करूँ, आपको बिल्कुल इजी तरीके से मैंने सिखाया है, अगर आप सही से देखेंगे। आपको अगर नहीं समझ में आता है तो आप एक बार, दो बार, तीन बार वीडियो जरूर देखें, तो आप जितनी बार वीडियो देखेंगे आपको बिल्कुल सही तरीके से, आप जैसे ही थोड़ा बहुत भी कंफ्यूज होते हैं आप वीडियो देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अब देखिए अब हमको यहाँ नीचे से बिल्कुल इसको करके बराबर कर देना है। ये मैंने इस तरीके से इसको, ये हो गया हमारा आगे वाला पार्ट। अब मैं आपको पीछे वाला पार्ट बताती हूँ कि अब हमको पीछे वाला पार्ट किस तरीके से काटना है। अब हमको क्या करना है कि कपड़ा बिछाना है, हमको इस तरीके से कपड़ा लेना है। ज़्यादा मेहनत हम लोग को आगे वाले हिस्से को काटने में ही होती है, पीछे वाला हिस्सा हमारा आसानी से कट जाता है। अब आपने बहुत बार देखा होगा कि हमारा कुर्ता बार बार पीछे की तरफ भागता है, आज मैं उसका उपाय बताती हूँ कि आपका कुर्ता पीछे की तरफ बिल्कुल भी नहीं भागेगा। ठीक है अब मैं आपको देखिए, अब हम इसके नाप से बिल्कुल कुर्ता काट लेते हैं। मुझे आशा है कि आप लोगों को बिल्कुल सही समझ में आ रहा होगा। अब हमको क्या करना है कि ये जो हमारा गला है इसको हमको 1 इंच, आधा इंच नीचे डाउन रखना है। ये डाउन हम रखेंगे पीछे वाले हिस्से को नहीं, हमको आगे वाले हिस्से को हल्का सा डाउन रखना है। देखिए मैं किस तरीके से, इस तरीके से मैंने डाउन कर दिया है।
हमारा बिल्कुल भी कुर्ता कहीं नहीं भागेगा ये इसी तरीके से। अब हमको पीछे का गला लेना है जो हमारा 6 इंच था, तो देखिए अब मैं इस तरीके से लूँगी, ये हमारा 6 इंच का गला है और यहाँ से मैं 2.5 इंच पर नाप लगाऊंगी और नीचे से ऊपर से 2.5 इंच पर लगाऊंगी और नीचे से मैं 3 इंच पर लगाऊंगी, क्योंकि हमारा गला हमारा कंधा ऊपर से और नीचे की तरफ जैसे जैसे डीप उतरता जाता है वैसे वैसे फैलता हुआ जाता है। इस तरीके से मैं मैं किस तरीके से कटिंग कर रही हूँ, आपको बिल्कुल सावधानी पूर्वक काटना है। ऐसा नहीं हो कि बहुत बार हमारा पीछे वाला हिस्सा गलत कट जाता है, कपड़े के नीचे कपड़ा आ गया और कट गया और अब हमको हल्का सा आगे वाले कुर्ते में 1/2 इंच का दबाव देकर के इसको ज्यादा करना है।